नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। हिंदू जागरण मंच के नेता कमलेश तिवारी की लखनऊ में हुई हत्या के बाद अहम खुलासा हुआ है। लखनऊ में हत्या के बाद पुलिस ने जब पूरे मामले को खंगाला तो पता चला जो हत्यारे हैं वो लखनऊ के कैसरबाग थाना क्षेत्र के लालबाग के होटल खालसा इन में रुके थे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये फुटेज उसी होटल का है। दो अलग अलग फुटेज हैं जिसमें पहले फुटेज में ये सभी चेकिंग करते हैं और उसके बाद दूसरे फुटेज में ये भगवा कलर का कुर्ता पहन के बाहर निकलते हैं। दरअसल ये होटल हरविंदर सिंह का है जिसपे हेमराज को लीज पर दिया था हरविंदर ने। बेसमेंट में बने जी 103 में रुके थे हत्यारे। 17 अक्टूबर की रात 11:08 पर किया था चेकिंग। हत्या की वारदात के दिन दोनों सुबह 10:38 पर निकले थे। हत्या की वारदात अंजाम देने के बाद 1:24 पर लौटे थे खालसा इन में। दोपहर 1:37 पर होटल से चेकआउट किए थे। कमरे से खून से सने कुर्ते, जियो मोबाइल का डब्बा, सेविंग किट, चश्मे का डिब्बा और अन्य सामान बरामद किया गया। पुलिस की फॉरेंसिक फील्ड यूनिट ने निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने पूरे कमरे को सील कर दिया है। तो आप देखें, ये दो अलग अलग तस्वीर हैं। और आपको अहम बात जानकारी दे दें कि शेख अशफाक हुसैन और पठान मोइनुद्दीन अहमद के नाम से इस होटल में ये कमरा बुक था। आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़ के लिए लखनऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। हमारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ डी फार्मा और बी फार्मा करके इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।